नीट 2024 का कैटास्ट्रॉफिक कट ऑफ गया था और जिसके कारण बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे कि कट ऑफ इतना ऊपर चला जाएगा और वो उसी हिसाब से अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी बना के बैठे हुए थे हर साल नीट एग्जाम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है जिसके कारण आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं रह पाते तो मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके इन्हीं सारे सवाल के जवाब देना चाहूंगा ताकि आप वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 एग्जाम के कट ऑफ के बारे में कि आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एग्जाम में इस साल क्या कट ऑफ पिछले साल की तरह ही रहेगा क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा या कट ऑफ कम होने वाला है इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं हम आज तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखो यार कट ऑफ जो है आपका वो तीन चार पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है सबसे पहला पैरामीटर है कि आपका सिलेबस कितना आ रहा है उस करस्पॉन्डिंग एग्जाम का दूसरा पैरामीटर है कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा है क्या आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशेंट टाइम मिल रहा है या नहीं तीसरा पैरामीटर है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यह है कितने स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं उस एग्जाम में और उससे भी इंपॉर्टेंट कि कैसे स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं एग्जाम में तो चलिए पहले इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहला क्राइटेरिया क्या नी 2025 एग्जाम के सिलेबस में कोई परिवर्तन होने वाला है तो बेटा नहीं नी 2025 एग्जाम में आपको सिलेबस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा जो रिड्यूस सिलेबस विथ एडेड टॉपिक आप 2024 में पढ़ रहे थे इस साल भी आपको वही सिलेबस देखने को मिलेगा तो अगर आप सिलेबस से पहले से वेल well प्रिपेयर्ड हैं सभी बच्चों ने वही सिलेबस को दो साल से देखा हुआ है तो यह सिग्निफाई करता है कि दिस विल योर कट ऑफ तो यहां पे मैं एक अप्टिक लगा देता हूं दूसरा सवाल आता है कि सर नीट एग्जाम के पैटर्न में कोई परिवर्तन होने वाला है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था बेटा पहला चीज क्या टू टीयर एग्जाम होने वाला है इस साल जवाब है नहीं और जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरी बातें बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से आती हैं और वो हमेशा सही होती हैं जब दुनिया कुछ भी बोल रहा होता है मैं जो बोलता हूँ यूजुअली वही सही होता है एंड ये कोई नहीं है कि मैं कोई ज्योतिषी हूं इज जस्ट आई एम वेल इंफॉर्म्ड एंड आई हैव कनेक्ट्स ठीक है तो एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करेंगे बेटा क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इस साल यस yes. आपको इस साल चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम एग्जाम पैटर्न में जो एविडेंट हो गया जेई के एग्जाम 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 पैटर्न से क्या सर तो इस साल आपका सेक्शन भी हटा दिया गया है जेई में में एंड यही सेम ट्रेंड आपको नीट में भी देखने को मिलेगा पैतालीस क्वेश्चन जुअलॉजी के होने वाले हैं मतलब इन शॉर्ट आपके पास एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होगा आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो मतलब एक क्वेश्चन 720 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन तीन घंटे दिया गया था उसको भी घटा के तीन घंटे कर दिया जाएगा तो इस पैटर्न चेंज होने की वजह से कुछ एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आपके होंगे एक दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर सही नहीं आ रहे होंगे या जो डाउट क्रिएट करेगा आपके दिमाग में पहले ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आते थे और आप उसको स्किप कर देते थे इस साल आप स्किप नहीं करेंगे इन क्वेश्चन को तो इसके कारण जो कट ऑफ में आपको ट्रेंड दिखेगा वो थोड़ी कमी देखने को मिलेगी ठीक है तीसरा पैटर्न पे आते हैं कि सर पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है देखो बहुत वीडियोस मैंने देखे बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि पेपर डिफिकल्ट की साइड होगा इस बार कुछ अतरंगी पेपर बना देगा एनटीए बट मैं आपको फिर से बता देता हूं देखो एनटीए अतरंगी पेपर नहीं बना सकता कभी भी इतने बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो हद से हद इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाएगा है ना जो आपने देखे दिखाए क्वेश्चन जो इतने सालों से आप सॉल्व कर रहे हो उसी क्वेश्चन में से कुछ चेंजेस करके 5-7 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन डाल दिया जाएगा ओवरनाइट कोई एग्जाम डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं होगा मतलब जो आपने पिछले साल या पिछले के पिछले साल पेपर डिफिकल्टी लेवल देखा है लगभग वैसा ही डिफिकल्टी लेवल रहेगा तो अगर जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इससे फिर से आपके कट ऑफ में बढ़ोतरी की गुंजाइश हो जाएगी ठीक है एक और क्राइटेरिया है कि इस साल नीट में लगभग सत्ताईस लाख बच्चे अपियर करेंगे और सबसे प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि इस साल लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 500 प्लस नंबर आए थे नीट 2024 एग्जाम में तो आप समझिए अगर आप चीटिंग वाला एंगल या ग्रेस मार्क्स वाला एंगल हटा भी दोगे तो भी दो लाख से ज्यादा सीरियस बच्चे इस साल आपके साथ कंपीट करने वाले हैं इस एग्जाम में तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्यों क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक हेडस्टार्ट है उन्होंने सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया इस साल अगर वो गुमराह नहीं होते तो वो रगड़ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस साल उनका टारगेट 700 प्लस मार्क्स का होगा तो दिस विल लीड मेजर इंक्रीज इन कट ऑफ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर है बट ओवरऑल ऑल इन ऑल अगर आप इन सब पैरामीटर्स को मिला देंगे तो दिस इज माई प्रोडिक्शन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द कट ऑफ ऑफ दिस ईयर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग छह सौ पचास से छ सौ पचपन के बीच में रहेगा ओबीसी का कट ऑफ लगभग छह सौ पैंतालीस से छह सौ पचास नंबर के बीच में रहेगा एस सी का फाइव नाइनटी से फाइव नाइन फाइव के बीच में रहेगा रहे और एस टी का फाइव फोर्टी से फाइव फोर्टी फाइव मार्क्स के बीच में आप कट ऑफ देख सकते हैं इस साल तो यू विल है वे ताकि आप कम से कम 680 प्लस मार्क्स ला रहे हो अपने मॉक टेस्ट में जनवरी के बाद नहीं तो आपकी ये वाली ट्रेन तो छूट जाएगी मेरा काम आपको डराना नहीं है बट आपको सच से अवगत कराना है और इसके लिए आपको चाहिए होगा कांस्टेंट प्रैक्टिस मतलब इतना प्रैक्टिस आपको रगड़ना पड़ेगा सेम काम आपको रिपीट करना पड़ेगा खूब सारा मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा तभी जाके आप ये 680 सौ अस्सी का आंकड़ा पार कर पाएंगे क्योंकि अब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है और इसी प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए हमने आपके लिए लाया है नीट एग्जाम के लिए पच्चीस हजार क्वेश्चन ऐसे जो आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये कोई नई बात नहीं है जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरे क्वेश्चन सीरीज से ही क्वेश्चन आता है तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ये पच्चीस हजार क्वेश्चन आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस करूं जिसमें दस हजार क्वेश्चन फिजिक्स बायोलॉजी के होंगे पांच हजार क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और पांच हजार क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे एंड अगेन यही बीस हजार क्वेश्चन प्लस पी वाई क्यू प्लस एग्जैंपलर और प्लस टेस्ट अगर आप सब मिला दोगे तो टोटल पच्चीस हजार क्वेश्चन आप कर रहे होंगे एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बियॉन्ड पेपर नहीं आएगा तो क्या सर आपने पेपर प्रेडिक्ट कर दिया नहीं बेटा कहने का तात्पर्य है कि गिवेन द एनसीआर टी एंड योर सिलेबस इसके बियॉन्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता क्या होगा हद से हद फिजिक्स में वैल्यू चेंज हो जाएंगे केमिस्ट्री में वैल्यू चेंज हो जाएंगी या बाएं दाएं करके ऑप्शन फ्लश कर दिया जाएगा या कुछ इस तरह से किया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में बनाए हैं ऐसी गलतियां मैंने अपने एग्जाम में पहले की हैं और दोबारा ये गलतियां मैं नहीं दोहराने वाला हूं और इसके लिए हमने किताब भी बनाई है जिसका नाम है फंडा बॉक्स प्रैक्टिस किट क्या किया हमने तो हमने यही दस हजार क्वेश्चन एक किताब में डाल दिया बायोलॉजी के पांच हजार क्वेश्चन एक किताब में डाल दिया केमिस्ट्री के और पांच हजार क्वेश्चन एक किताब में डाल दिया फिजिक्स के जिसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है एक भी क्यों नहीं है और सारे क्वेश्चन अलग तरह के हैं तो मतलब एक तरह से पूरे का तुम्हारा इस फंडा बॉक्स प्रैक्टिस किट से हो जाएगा और हमने इसकी प्राइस भी काफी नॉमिनल रखी है मतलब ये पूरी प्रैक्टिस किट आपको हमारे फंडा बॉक्स ऐप या बॉक्स डॉट इन वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ टू ट्रिपल नाइन का मिल जाएगा दिवाली सेल के दौरान विथ

रीड और प्रैक्टिस ठीक है लर्न में आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हमारे टीचर्स द्वारा दिया गया है प्रैक्टिस आप या तो ऐप पे कर लो अगर मान लो तुम किताब लेके नहीं घूम रहे हो या फिर आप हमारे जो किताब फिजिकल हमने दिया है वहां से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो डाउट भी हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे तो कुछ नहीं करना आपको फंडाबॉक्स डॉट इन पे जाना है यहां पे आपको सबसे पहला फंडा बॉक्स प्रैक्टिस किट दिखेगा इसको बाय बायनो तो पे क्लिक कीजिएगा बाय बायनो पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे डायरेक्टली पेमेंट पेज पे चले जाओगे आप पेमेंट पेज पे जाओगे टू ट्रिपल नाइन पे करोगे और उसके बाद लॉग इन करके अपने प्रोफाइल में एड्रेस डाल दीजिएगा एंड हम आपको ये किताबें विद इन सेवन डेज डिलीवर कर देंगे ये ऑफर बेटा सिर्फ दिवाली तक वैलिड है तो सेकेंड नवंबर से पहले आप इन बुक्स को अवेल कर लीजिए और अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा दीजिए नीट के रिगार्डिंग अगर और कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए मैं एक अलग से वीडियो उस पर बना दूंगा बट आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है इसमें कि जब भी आप नीट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पढ़ना है ठीक है अगर आपकी नीट की तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है या आप तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे हो या आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास आप मेरे वेबसाइट जाइए नी डॉट इन पे हमने आपके लिए नीट 2025 का सिलेक्शन बूट कैंप चलाया हुआ है क्या है सर उस सिलेक्शन बूट कैंप में उसकी बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे यह एम बी बी फर्स्ट ईयर वाला मैंने खोल दिया है यहाँ आप नीट यूजी कैटेगरी में चले जाइएगा आप यहाँ सिलेक्शन बूट कैंप पे जाइए और आप वहाँ पे देखिए कि हम कैसे आपका सिलेक्शन इंश्योर करने वाले हैं इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है और जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो ये हम एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे हैं अपने कैंपस में जहाँ पे छः महीने एक्सटेंसिव पढ़ाया जाएगा आपको पूरा टाइम टेबल फॉलो कराया जाएगा अपने हॉस्टल में रखा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि आपका सलेक्शन हो जाता है ज़्यादा डिटेल के लिए इसके आप मेरे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा मेरी टीम से बात कर लीजिएगा या मुझसे बात कर लीजिएगा एंड इंश्योर कीजिएगा कि आप इस साल वेस्ट ना करें और अपना हंड्रेड परसेंट दे के सलेक्शन Thank you so much. Take care. Bye bye. And wish you a very happy Diwali. Bye bye.